ओवर ईयर जब हम लोग ने परसेंटेज बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला देखा था, दैट इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तो तब मैंने तुमको बताया था कि इट वॉज वी टू अपॉन वी सोल्यूशन, एंड हम हर बार वी सोल्यूशन को एड नहीं करते, मतलब वी वन प्लस वी टू वॉज नॉट इक्वल टू वी सोल्यूशन, नॉट ऑलवेज. अगर वी वन प्लस वी टू विल बी इक्वल टू वी ऑफ सोल्यूशन तो हम उसे आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं, और अगर v1 plus v2 is not equal to v of solution तो हम उसे non-ideal solution बोलते हैं। तो हम थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है। तो अगर मैं कभी भी एक सोल्यूशन बना रहा हूं, ये पूरे चैप्टर में we are talking about a binary solution. हम binary solution की बात करते हैं, तो binary solution मतलब उसमें दो component present होते हैं, एक होता है component A और एक होता है component B, दो component. अभी मैं पानी और कोई दूसरा solute का नाम नहीं लूंगा, let's say दो component है, component A and component B. जब A और B का solution बन रहा होता है तो there are some attractive forces जो बनेगा, and there are some repulsive forces जो होना चाहिए, मतलब कुछ बॉन्ड टूटने चाहिए, कुछ बॉन्ड बनने चाहिए. तुम्हारे पास जब तुम लोग सोल्यूशन बना रहते हो कंपोनेंट ए एंड बी, तो ए ए के बीच में अट्रैक्शन होता है, बी बी के बीच में भी अट्रैक्शन होता है, मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन होता है, सोल्यूट सोल्यूट का अट्रैक्शन होता है, और यू ऑल्सो हैव सॉल्वेंट एंड सोल्यूट का अट्रैक्शन. तो हम क्या चाहते हैं कि सारे अट्रैक्शन सेम हो. क्यों अट्रैक्शन सेम हो? क्योंकि जब एक सोल्यूशन बनेगा तब ए ए का अट्रैक्शन और बी बी का अट्रैक्शन टूटेगा, तो वो तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है. और जब ए और बी का अट्रैक्शन होगा, जब इनका अट्रैक्शन बनेगा, तब सम एनर्जी विल बी रिलीज्ड. हम क्या चाहते हैं कि AA का प्लस BB का अट्रैक्शन शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ AB का अट्रैक्शन. ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ताकि AB का बॉन्ड बनते वक्त जितनी एनर्जी रिलीज हो, उतनी ही एनर्जी AA और BB का बॉन्ड तोड़ने के लिए यूटिलाइज हो जाए, मतलब कोई एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत ना पड़े. ऐसे सोल्यूशन को हम आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं, जहां पे तुम्हारा ए ए का और बी बी का अट्रैक्शन इज सिमिलर टू तुम्हारा ए बी का अट्रैक्शन. जो तुम्हारा ए ए का और बी बी का इंटरैक्शन है वो ए बी के इंटरैक्शन से सेम है, मतलब वाटर वाटर का इंटरैक्शन और यूरिया यूरिया का इंटरैक्शन शुड बी सेम एज वाटर यूरिया का इंटरैक्शन. जब ऐसा होगा तब वो आइडियल सोल्यूशन होगा. जब वो आइडियल सोल्यूशन है, मतलब उसका डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग ये जीरो, मतलब ना हमें बाहर से कोई एनर्जी डालनी पड़ी और ना कोई एनर्जी रिलीज हुई. क्यों? क्योंकि ए बी का बॉन्ड बना तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई, वही पूरी की पूरी एनर्जी ए ए और बी बी का बॉन्ड तोड़ने के लिए यूटिलाइज हो गई. तो फाइनल एनर्जी सेम एस इनिशियल एनर्जी, तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज जीरो. जब ऐसा होता है तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी जीरो हो जाता है. वी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो मतलब क्या? तुम्हारा डेल्टा वी विल बी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, तो फिर ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है. तो इस केस में वॉल्यूम्स आर एडिटिव. तीसरा पॉइंट है, अगर सोल्यूशन आइडियल है सब कुछ इनसे लेना देना है. अगर सोल्यूशन आइडियल है तो सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरैक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरैक्शन इज सेम एज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंटरैक्शन. सो नो एनर्जी इज रिलीज्ड, नो एक्स्ट्रा वॉल्यूम इज नीडेड या कम नहीं हुआ वॉल्यूम, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज बराबर जितना होना चाहिए था. और तीसरा, दिस ओबेस राउल्ट्स लॉ. जब तुम लोग ने आइडियल और नॉन आइडियल गैस पढ़ा था तो उधर भी पढ़ा था कि आइडियल गैसेस विल ओबे पीवी इक्वल टू एनआरटी एंड नॉन आइडियल विल नॉट ओबे. तो यहाँ पे भी एक लॉ की बात आ जाती है, तो दिस ओबेस राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ ओबे करना मतलब क्या हो गया? राउल्ट्स लॉ क्या बोलता था
कि तुम्हारा टोटल सॉल्यूशन जो होगा, टोटल सॉल्यूशन विल बी पी, इट विल बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी. ये बताया था ना हम लोगों ने तुमको कि टोटल टोटल प्रेशर जो होता है, सॉल्यूशन का प्रेशर जो होता है, वो ए का भी कंट्रीब्यूशन और बी का भी कंट्रीब्यूशन का सम होता है. तो राउल्ट्स लॉ ये बोलता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज पी नॉट ऑफ ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज पी नॉट ऑफ बी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. दिस पी नॉट ऑफ ए एंड पी नॉट ऑफ बी वाज़ द मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट ए एंड बी और मोल फ्रैक्शन मतलब वो कितना अमाउंट प्रेजेंट है. तो ये है हमारा आइडियल सोल्यूशन. अभी अगर ये आइडियल है तो नॉन आइडियल तो काफी सिंपल है. नॉन आइडियल इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा. मतलब नॉन आइडियल में मैं बोलूंगा कि जो तुम्हारा ए ए का और बी बी का इंटरेक्शन है दैट इज नॉट इक्वल टू तुम्हारा ए बी का इंटरेक्शन. तुम्हारा जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग है दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो. तुम्हारा जो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग है that is also not equal to zero, मतलब volumes are not additive and this will disobey Raoult's law. मतलब जब मैं p not of a into mole fraction of a का value निकालू तो that will not come out to be partial pressure of a. इसका value अलग आ रहा है, इसका value अलग आ रहा है. p of b will not be equal to p not of b into x of b. तो जिनमें ये क्राइटेरिया फॉलो होते हैं वो आइडियल, जिनमें नहीं होते वो नॉन आइडियल. आइडियल सॉल्यूशन तो ऑलमोस्ट कोई होता ही नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन आइडियल है ही नहीं. बट यस देयर आर सम नियरली आइडियल सॉल्यूशन. नियरली आइडियल सॉल्यूशन मतलब जिसका स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा बहुत सिमिलर है, तो उनका इंटरेक्शन वगैरह भी सिमिलर हो जाता है. तो नियरली आइडियल सॉल्यूशन है हमारे पास. और नियरली आइडियल सॉल्यूशन में आ जाता है जैसे एन हेक्सेन एन हेप्टेन. टोलुइन एंड बेंजीन. तो टोलुइन एंड बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन. तो और भी एग्जांपल्स हैं. अभी जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है हमारा वो भी दो तरीके का हो सकता है. अभी जब मैं बोल रहा हूं कि ए एंड बी बी इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, तो दो केसेस हो सकते हैं कि ए ए बी बी इंटरेक्शन ज्यादा है, ए बी इंटरेक्शन कम है. ए ए और बी बी, और दूसरा हो सकता है ए ए और बी बी इंटरेक्शन कम है और ए बी इंटरेक्शन ज्यादा है. So you can have delta H mixing greater than zero, or you can also have less than zero. You can have delta V mixing greater than zero or less than zero. यहाँ पे भी you can have P A greater than P not A into X A, or you can have P A less than P not A into X A. मतलब not equal दोनों तरफ से भी हो सकता है. तो उसी तरीके उसी point पे हमने non ideal को भी दो हिस्सों में classify किया है, डिवाइड किया है. हम पहला बोलते हैं नॉन आइडियल को पॉजिटिव डिविएशन वाला. नॉन आइडियल मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डिविएशन. दूसरा वाला क्या रहेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन. दिस इज एक्चुअली प्रिटी सिंपल, नथिंग वेरी स्पेशल ओवर हियर. टेबल भी है तो टेबल में बता दूंगा प्रॉपरली. ये नॉन आइडियल है शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, दिस इज शोइंग नेगेटिव डिविएशन. तो अभी पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है, तुम्हारा जो ए ए और बी बी का इंटरेक्शन का जो सम होता है, मतलब ए ए और बी बी जितना इंटरेक्ट करेगा, मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ए बी का इंटरेक्शन. मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन कम है लेकिन सॉल्यूट सॉल्यूट का और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज्यादा है. तो तुम मुझे बताओ इसका डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, चार्ट पे बताओ, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो. तो कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पॉजिटिव डिविएशन है तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग विल बी ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो.
थोड़ा दिमाग लगाओगे तो अपने आप समझ जाएगा, क्योंकि ए ए और बी बी का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो यहाँ पे दिस इज ग्रेटर, और इसको ये जब टूट रहा है तो कम एनर्जी इज रिलीज, तो एनर्जी रिलीज इज ऑफ माइनस 200 जूल और एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इज प्लस 300 जूल, तो आंसर पॉजिटिव आएगा ना, तो सब कुछ ग्रेटर देन जीरो होगा। राउल्ट्स लॉ में भी P ऑफ A विल बी ग्रेटर देन P नॉट ऑफ A इनटू X A एंड P ऑफ B विल बी ग्रेटर देन P नॉट ऑफ B इनटू X B, जबकि नेगेटिव वाले में क्या होगा, A A और B B का इंटरेक्शन वीक है, सल्यूट सल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट आपस में इतना इंटरैक्ट नहीं कर रहे जितना एक दूसरे के साथ कर रहे, तो इन दिस केस डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग विल बी लेस देन जीरो, नेगेटिव जाएगा। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग विल ऑल्सो बी लेस देन जीरो, और यहां पे तुम्हारा पूरा साइन उल्टा हो जाएगा। तो ये है आइडियल और नॉन आइडियल, हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं बट हमें इनका ग्राफ भी देखना है। तो बेटा यू टेल मी, अभी हम लोग ग्राफ्स करने वाले फॉर आइडियल एंड फॉर नॉन आइडियल, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ करेंगे फॉर आइडियल सॉल्यूशन। हम लोग एक बाइनरी कंपोनेंट ले रहे हैं, एक बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं सॉरी, तो बाइनरी सॉल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी, तो हम बोल रहे हैं कि ये पॉइंट पे सिर्फ ए प्रेजेंट है और ये पॉइंट पे सिर्फ बी प्रेजेंट है। अद्वितीय अगर ये पॉइंट पे सिर्फ ए प्रेजेंट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी 0। परफेक्ट। अगर मैं एग्जांपल्स के तौर पे बता दूं, x ऑफ ए विल बी 1 एंड x ऑफ बी विल बी 0। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जैसे यहाँ पे n ऑफ a वाज 10 मोल्स एंड नो b वाज प्रेजेंट, तो n ऑफ b इज 0 मोल्स, सो n a अपॉन टोटल, टोटल इज आल्सो 10, सो दैट मेक्स इट 1 एंड दैट मेक्स दिस 1 0। व्हाट अबाउट द अदर साइड, यहाँ पे अदर साइड पे मोल फ्रैक्शन ऑफ b विल बी 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ a विल बी 0। परफेक्ट। और अगर बीच में कहीं पे देखोगे, जैसे ये वाले पॉइंट पे देखोगे, तो ये वाला हाँ, एकदम सेंटर है, तो x ऑफ a विल बी 0.5 एंड x ऑफ b विल बी 0.5 बिकॉज़ x ऑफ a प्लस x ऑफ b इज 1। परफेक्ट। तो ये एग्जैक्टली सेंटर में है, अगर मैंने ये वाले ये पॉइंट पे बोला थी, x of a will be 0.75 and x of b will be 0.25 के अराउंड, बराबर, परफेक्ट, क्योंकि a कम हो रहा है और b बढ़ रहा है, और ये पॉइंट पे उधर उल्टा रहेगा, x of b will be 0.75 and x of a will be 0.5। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अभी मैं इसे जो x x एक्स्ट्रा चीज है वो मैं रब कर देता हूँ, विल कीप दिस वन। कैन आई से कि यहाँ पे लेट से कि द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, दिस वाज मोल फ्रैक्शन ऑन द वाई एक्सिस एंड ऑन द एक्स एक्सिस यू हैव प्रेशर, इवन दिस इज प्रेशर एंड दिस इज प्रेशर, सो द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस मच, यहाँ पे एट दिस पॉइंट द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस मच, सो कैन आई जस्ट से कि दिस पॉइंट इज नथिंग बट पी नॉट ऑफ ए and this point is P naught of B. Can you explain Adviti by the formula? Yes sir. P ka formula hai P A X A plus P B P naught B into X B. But X B ye point pe zero hai, to iska partial pressure bhi zero ho jayega. So that's why P is equals to P naught. Absolutely correct. So ye wale point mein X A is one. And x b is 0, so p is nothing but p naught of a, मतलब ये time पे जो भी solution का pressure है because of a, and ये time पे जो भी solution का pressure है that is because of p naught of b. अभी we already know कि partial pressure of a
इज नथिंग बट पी नॉट ऑफ ए इनटू एक्स ऑफ ए, ये राउल्ट लॉ से आता है, एंड पी बी विल बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी इनटू एक्स ऑफ बी. अद्विति हम लोग ये कैसे प्लॉट करेंगे पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी? एक्स ए का जो ग्राफ है वो इंक्रीज होते होते नहीं सॉरी सॉरी डिक्रीज होते जाएगा पी ए से वो एंड पॉइंट पे. इट विल गो फ्रॉम 1 टू 0. तो वी विल जस्ट ज्वाइन दिस लाइन. तो अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये मेरे को रिप्रेजेंट करेगा पी ऑफ बी दैट इज पी नॉट ऑफ बी इनटू एक्स ऑफ बी. एट दिस पॉइंट एक्स ऑफ बी इज 0, तो पी ऑफ बी इज आल्सो 0. At this point, x of b is 1, so p of b is also equal to p naught of b, the maximum. So, जैसे जैसे तुम्हारा x of b बढ़ता जाएगा, तो तुम्हारा ये pb का value, that is partial vapor pressure का value, बढ़ता जाएगा, and this line will represent. Similarly, यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे join कर लिया, तो ये a वाला representation. So this is a representation for P of B, which is nothing but P naught of B into X of B. And this is a representation of P of A, which is nothing but P naught of A into X of A. Acha, if I join these two ends, P naught of A or P naught of B, you get this point is telling me, ye jo hamara vertical line hai, ये मुझे सोल्यूशन का प्रेशर बता रहा है. दिस इज द सोल्यूशन का प्रेशर एट दिस पॉइंट वेर यू हैव ओनली ए एंड नो बी. दिस इज द सोल्यूशन का प्रेशर व्हेन इट इज ओनली बी एंड नो ए. तो अगर मैंने इस दो लाइन को ज्वाइन कर दिया तो इट विल टेल मी द सोल्यूशन का प्रेशर. सो दिस विल बी पी ऑफ सोल्यूशन विल बी नथिंग बट पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी. तो यहाँ पे पी बी 0 था, यहाँ पे पी ए 0 था, तो यही हमारा सोल्यूशन का प्रेशर था. अगर मैं कोई भी एक पॉइंट पे पकड़ लू, जैसे अगर मुझको ये पॉइंट पे जानना है, तो आई विल जस्ट ड्रॉप अ परपेंडिकुलर. तो जो भी मेरा परपेंडिकुलर आएगा, थोड़ा परपेंडिकुलर प्रॉपर नहीं बना, ये जो भी वैल्यू रहेगा दैट विल बी माय वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन. सो दिस इज द ग्राफ फॉर आइडियल इक्वेशन. अभी हम लोगों को पता है कि प्रॉपर का भी फॉलो तो होता नहीं है. अभी अगर मैं इसको रेप्लिकेट कर दूं, वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग. तो एज वी नो कि बहुत सारे कम सॉल्यूशन आइडियल है, तो बहुत सारे कम सॉल्यूशन का ग्राफ ऐसे आता है. तो ये आइडियल का ग्राफ है. अगर आइडियल सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा. नॉन आइडियल के लिए हमें पता है कि पॉजिटिव डिविएशन जो होता है और नेगेटिव डिविएशन जो होता है. तो पॉजिटिव डिविएशन कभी भी ये लाइन में नहीं फॉल करता, क्योंकि वी नो कि फॉर पॉजिटिव डिविएशन तुम्हारा पी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ऑफ ए इनटू एक्स ऑफ ए, एंड पी ऑफ बी विल बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी इनटू एक्स ऑफ बी. तो जब हम लोग नॉन आइडियल के लिए प्लॉट करते हैं, तो नॉन आइडियल के लिए इट विल नेवर बी परफेक्ट, इट विल हमेशा भी थोड़ा सा ऊपर जैसा. So it will start from this point, it will end also at this point, but वो थोड़ा सा curved रहेगा. Even a similar thing will be observed. So a similar thing is observed कि तुम्हारा P of A will be greater than what is observed. थोड़ा सा line बड़ा है, but equal distance पे बनाते हैं. और negative deviation में तुम्हारा एक्सपेक्टेशन से कम होगा. तो जो भी तुम्हारा एक्चुअल कर्व रहेगा, द लाइन द कर्व ड्रॉन फ्रॉम ब्लैक इज द एक्चुअल वैल्यू, द ब्लू वाला इज द आइडियल वैल्यू. तुम्हारा सोल्यूशन भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आएगा, और यहाँ पे भी तुम्हारा सोल्यूशन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम आएगा. द करेक्ट ग्राफ दैट आई हैव इफ आई हैव टू शो यू विल बी दिस. As you can see, ideal से थोड़ा सा ज्यादा आया है, and ये non-ideal से थोड़ा सा कम आया है.